यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। तो आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि AIMIM पार्टी के सुप्रीमो और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर है। असदुद्दीन अवैसी ने जो है एक जलसे से खिताब करते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार किया है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसी को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने इतराज जताया है। वैसे जो है सियासत में तो ये खेल बन चुका है, किसी भी मजहब को बुरा बोलो या किसी भी धर्म को बुरा बोलो, फिर उसके बाद जो है एक तरफ से एक लोग आ जाएंगे, एक तरफ से एक लोग आ जाएंगे, यूं ही करते करते जो है सियासत में अपना अपना फायदा उठा लेंगे, लेकिन कोई किसी को कुछ करने वाला नहीं है। ये सब बातें हैं, बातों का क्या है, नाराज होना, उनके खिलाफ कुछ बोलना, इनके खिलाफ कुछ बोलना, बढ़ावा देने वाले कौन? ये धार्मिक और मजहबी लोग है जो हमारे पाक इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक सियासी मुद्दा मिल जाएगा। तो बहरहाल किसी का भी धर्म हो या किसी का भी मजहब हो, इसके खिलाफ किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। सियासतदान का काम है देश को तरक्की दिलाना और हमारे देश को और हमारी देश की आवाम को खुशहाल रखना। ये तो इनसे होता नहीं, क्योंकि दिन ब दिन हमारा देश जो है कर्जे में डूबते जा रहा है और वही दिन ब दिन जो है हमारे देश की इकोनॉमी और GDP लो हो रही है, लेकिन इसकी फिक्र तो हमारे लीडर्स को है नहीं। बस जब देखो जब यही बात वो करते हैं, धर्म मजहब धर्म मजहब। तो बहरहाल नुपुर शर्मा को भी इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है जिसको लेकर असदुद्दीन अवैसी ने नाराजगी जताई है। मुखातिब नहीं हो में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए, उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए, मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बना शनाफ बत्ता है। एक अंग्रेजी TV चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन अवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया, मगर आपको बता रहा हूं और आप गवाह हैं मेरी इस बात का कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप तकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर काली फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा? और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गुंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो, शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए, उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए, मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बना शनाप बत्ता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता, मैं जो दिन कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, मैं आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहा हूं, मैं अपनों के दरमियान में खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे उम्मीद है।
अगर मेरी बात कड़वी लग रही तो अपना एक दीवाना बेकार भाई समझकर माफ कर दो, मगर मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना भी इतना मनफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बन दें, जिसके नाम का हम सदका खाते हैं। देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बका है उसको उसका सियासी चराग उठता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, शरद पवार साहब आपको बेस्ट एजुकेशन विद हाई मॉरल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन आर द की फैक्टर्स फॉर अ बेटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हियर एट सक्सेस वी एम टू ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर चाइल्ड। सक्सेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आवर मिशन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सोसाइटी एट अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर। We offer courses for intermediate students, MPC with JEE, MCET and regular, BIPC with NEET, MCET and regular, MEC and CEC with CMA, computers and regular. Courses offered for degree students, BSc, NZC, BCom, computers in general, BBA. Success Junior and Degree College for women, Success Junior and Degree College for boys. IS Southern X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.